In this video, I am going to tell you how to rotate tax in After Effects. So without further waiting, let's start it. But before this, let me tell you few things. So you can see this is a panel of After Effects. ये जो है हम यहाँ से अपनी composition add करेंगे कि हमें किस platform के लिए चाहिए. Size, you can say it कि size कौन सा होगा. फिर social, Instagram के लिए बना रहे हैं या हम Facebook के लिए बना रहे हैं या website के लिए. तो यहाँ से हम वो कंपोजिशन सेलेक्ट करेंगे. और ये अगर आप पैनल देखें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे हम लेफ़्ट क्लिक करके, लेट मी शो यू, हम करेंगे उसके बाद स्टार्ट. यहाँ से जाके इंपोर्ट करेंगे. यहाँ पे बेसिकली आपने जो भी अपना आर्ट डिज़ाइन किया होगा इलस्ट्रेटर फोटोशॉप पे, और इट हैज़ टू बी इन लेयर्स फॉर्म. लेयर्स अगर नहीं होंगी तो फिर आपको ये, जब आप अपना डिज़ाइन बनाएं इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में, तो जब आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आपने बनाया है वो लेयर्स को यूज़ करते हुए अपना बनाया है. उसके बाद हम उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे. तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना काम. तो सबसे पहले हम न्यू कंपोजिशन ले लेते हैं. यहाँ से विड्थ जो है बेसिकली हम 1080x80 के हम यहाँ पर बना रहे हैं, और यू कैन इवन मेक इट टू 2000 एज वेल. बट यहाँ पर हम इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं स्पेशली, तो हम यहाँ पे करेंगे. और फ्रेम रेट 30 पर सेकेंड कर लें, रेजोल्यूशन फुल है और ड्यूरेशन 30 सेकेंड्स है. और यहाँ से हम कलर भी चेंज कर देते हैं, जो कि हमारे जो हमारा आर्ट है जो हमने डिज़ाइन किया है इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में, उसको कॉम्प्लीमेंट करें. ओके, बहुत ही ईजी सा है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी. लेकिन मैं इसीलिए हर पॉइंट को डीपली आपको बता रही हूँ ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें. ओके, ये कलर आपने ले लिया. मैंने आप अपने चॉइस से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं. देन इसको ओके किया हमने. देन उसके बाद आप ये देखेंगे, ये हमारी कंपोजिशन जो है आ जाएगी यहाँ पे. इट टेक्स सम टाइम एज यू नो के आफ्टर इफेक्ट्स जो है काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर होता है, तो इसके लिए आपका लैपटॉप और जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अच्छी खासी स्पेस हो. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी कंपोजिशन आ गई. अब जो है हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक, इंपोर्ट पे जाएंगे और फाइल पे जाएंगे. ठीक है, और यहाँ से जो हमने इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप पे अपना बनाया है डिज़ाइन वो ले आएंगे. मैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कि आपने किस तरह से इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप पे जो है अपनी लेयर्स के थ्रू डिज़ाइन बनाना है और कैसे इम्पोर्ट करना है. तो डिज़ाइन अगर आपने देखना है तो वो आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, तो इजीली आपको पता चल जाएगा. ये मैंने बनाया था और इसको मैं ले आऊँगी फोटोशॉप पे, मैंने बनाया आप इलस्ट्रेटर पे भी लिया कोई नहीं. और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स बहुत है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट एज पे जाके सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इम्पोर्ट कर देंगे. इससे होगा ये कि जो भी है डिफरेंट लेयर्स फॉर्म में आ जाएगा. अदरवाइज अगर आप फुटेज करेंगे तो वो एक पूरी एक फाइल को एक फुटेज की फॉर्म में आपको दे देगा. ओके, अब हमने करना क्या है कि हमें सिर्फ यहाँ से एक लेयर चाहिए जो कि है हमारी ये लेयर. हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट हमें ये चाहिए, ये हमारी लेयर आ गई. बाकी हम जो है खुद से यहाँ पर बनाएंगे, और अगर आप चाहें तो यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है प्रेफर करेंगे कि इसको बनाएं. ठीक है, उसके बाद हमने करना क्या है, और इसका साइज़ जो है थोड़ा सा ये कर देंगे हम, शिफ्ट प्रेस करेंगे. हमारा साइज़ हमें नज़र आ गया है यहाँ पे. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट प्रेस करके, बल्कि पहले प्रेस करेंगे और फिर शिफ्ट करेंगे. पहले आपने ट्रैक करना है और फिर शिफ्ट करेंगे. और इसका साइज जो है थोड़ा सा हमने अगेन ड्रैग करेंगे, और अकॉर्डिंग टू आवर डैशबोर्ड इसको यहाँ पे हम लेकर आ जाएंगे. साइज़ को हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे होगा ये. ये हमारा साइज़ हो गया है. अब क्या करना है हमने, अब हमने ले लिए टेक्स्ट लेयर. टेक्स्ट लेयर को हम यहाँ से टेक्स्ट ले लेंगे, और बिफोर डैट मेक श्योर करें इट्स इन द सेंटर. यहाँ से हमने मूव टूल सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आप राइट साइड पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे अलाइन टूल है. इसको हमने पहले सेंटर किया, फिर ये एक और दफ़ा किया, ये हमारा सेंटर पे आ गया है. अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो टैक्स का स्टेप है. टैक्स सेट करना है हमने,
अब यहाँ से हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, फिर उसमें जो भी चेंजेस होंगे हम उसको करते हैं। ओके, अब टैक्स में हम क्या करेंगे, कुछ हमारा टैक्स ऐड हो गया। अब इसको हम जो है फॉन्ट साइज इसका चेंज करेंगे, फॉन्ट साइज आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। ये सारी चीज़ें पहले हमें एरर दे दिया कि आप पहले कैटलॉग्स बंद करें, उसके बाद आपका ये काम। करना ये है कि इसको ड्रैग किया और शिफ्ट के साथ इसको हमने बड़ा कर दिया, और ये आप देख रहे हैं उस पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको ये अपर साइड पर कर देंगे। ठीक है, अब हम फॉन्ट साइज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी आप सेलेक्ट कर लें, इट्स टोटली अप टू यू, वर्ड्स टाइप फेस यू लाइक, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। या दिस लुक्स फाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है कलर हमने येलो सेलेक्ट करना है। ओके, जो भी आप करना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू। और थोड़ा सा साइज और इंक्रीज कर दें, यहाँ से कर लें या कहीं से भी कर लें, और आपका इस मेक श्योर करें कि स्ट्रोक ऑफ हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं इसके अलाइनमेंट साइड, लेकिन इट्स बेटर कि अभी कर दें। ओके, और थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे। ठीक है, अब जो स्टेप है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़रा इसको गौर से देखें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, अब क्या करना है, अब हमने इस टैक्स पे मार्क्स लगाना है। शेप टूल लेंगे सबसे पहले, और इसको क्लिक करके हम, ये हमारा एलिप्स टूल आ गया, और मेक श्योर करना है कि ये जो आपकी टैक्स लेयर है ये सबसे ऊपर हो और ये सेलेक्टेड हो जब आप मार्क्स शेप टूल ड्रॉ कर रहे हो। तो उससे होगा ये कि जो आपका टैक्स है वो मार्क्स पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मार्क्स भी उस पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलिप्स टूल से शेप ड्रॉ करने के लिए लाइक दिस हम जो है शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो एक सर्कल हमारे पास आ जाएगा लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, इसकी अलाइनमेंट सेंड करेंगे, सेंटर पे करेंगे इसको, ये गलत हो गया है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, दिस लुक्स परफेक्ट। अब क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये हमारा हो गया। अब ये आप देखें पैनल पे आ जाए, टेक्स्ट पैनल पे इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और ये आप देख रहे होंगे पाथ ऑप्शंस का ऑप्शन है, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाएंगे और पाथ पे जाएंगे और मार्क्स वन को सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप ये शेप ड्रॉ करते वक्त मेक श्योर नहीं करेंगे कि आपकी टेक्स्ट लेयर नंबर वन पे है और सबसे ऊपर है, और जो है क्या कहते हैं सबसे ऊपर है और आपका जो है टेक्स्ट लेयर सेलेक्टेड भी होनी चाहिए जिस वक्त आप शेप को ड्रॉ कर रहे हो, अदरवाइज मार्क्स नहीं होगा और ये ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, मार्क्स हमने लगा दिया, उसके बाद इसी के नीचे आप ऑप्शन देखेंगे रिवर्स पाथ, तो हम रिवर्स पाथ को लाइक दिस ड्रैग करेंगे तो ये ऑन हो गया कि हमने मूव टूल लिया। और यहाँ पे हमने करना ये है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, बल्कि हमारा टेक्स्ट कलर सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे हमने क्लिक किया, मार्क्स पे नहीं जाना था हमें, टेक्स्ट पे जाना था, और यहाँ पे हम स्पेस देंगे थोड़ा सा 1 2, और पहले फर्स्ट हमें इस टेक्स्ट को कॉपी करना था, हमें कॉपी और आगे बढ़ के सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा 1 2 2 हो गया, इसको पेस्ट कर दिया लाइक 1 2, और हम इवन के वी कैन एडजस्ट इट लेटर एज वेल, सो डोंट वरी अबाउट इट। 1 2 ये हो गया एक और टैक्स, आई थिंक थोड़ा सा हमें ज़्यादा गैप देना पड़ेगा, यहाँ से डिलीट करें अगेन और 1 2 3 4 कर लेते हैं, ये स्पेस कर दिया 1 2 3 4, ये आ गया स्पेस हमारे पास 1 2 3 4, ये आ गया स्पेस हमारे पास। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ रही है, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ऑल और ऑटोमेटिकली जो है ये सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ से जो है हम इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, नहीं हो रहा तो कोई डोंट वरी, हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं,
37 या दिस लुक्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब जो है हमने सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पे पल्स मार्जिन का ऑप्शन है, ऑल्ट प्रेस करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये एक टेक्स्ट बार इस पैनल पे हमें शो हो जाएगा। हमने करना क्या है, यहाँ पे इसको डिलीट करना है और टाइम प्रेस करना है, और टाइम प्रेस करेंगे ऊपर से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और स्पेस प्रेस करके मल्टीप्लाई का साइन अब नंबर 8 के ऊपर देखेंगे तो वो प्रेस करना है। उसके बाद स्पेस किया और 200 टाइप कर दें, 100 कर दें, सब टू यू, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे क्लिक किया। अब जो है अभी इसको हम स्पेस से प्ले करके देखेंगे। अब यू कैन सी इट के स्पीड इज़ वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोबारा हम इस पर जाएंगे और इसका जो है हम 100 सेटिंग कर देंगे, और इस अप टू यू के कितना पास आप चाहते हैं। और ये हो गया हमारा, और फिर ये देखिए अगेन अब हमें क्लियरली इसको अंडरस्टैंड हो रहा है। लेकिन वन मोर थिंग इज़ कि अब आप ये देखें, अगर आप की फ्रेम सेट करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो गई, भी कंटिन्यूसली 100 उस तक हर एवरी मिनट पर ये प्ले होता रहेगा, ओके। अब हमने करना ये है कि अब इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। अब सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए आपके पास अडोब इनकोडर का जो है डाउनलोड होना चाहिए, क्यू डाउनलोड होना चाहिए, ताकि आप इजीली, और सेम एयर का हो मेरे पास अडोब इफेक्ट 2028 हो, आपका मीडिया इनकोडर भी 2022 का हो। अब क्या करेंगे, इसको ऐड टू अडोब मीडिया इनकोडर। उसके बाद आपने करना ये है कि ऑलरेडी मैंने ऊपर किया होता है इनकोडर को, तो आप यहाँ पेज पैनल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फोल्डर आपका अपेक्स में है वो उधर आ जाएगा, और ये सारी सेटिंग्स है कि आप प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है, किस फॉर्मेट पे करना है, और देन एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके नीचे जो प्रोडक्ट का प्रीव्यू है वो शो हो जाएगा। और ये टेक सम टाइम, अगर आपकी फाइल छोटी है स्मॉल है तो ईजीली हो जाएगा, लेकिन अगर फाइल लॉन्ग है तो थोड़ा टाइम लेगा।